माय चैनल। आज हम बनाएंगे घी की खीर। घी की खीर बनाने के लिए यहाँ मैंने घिया लिया है। तो सबसे पहले हम इसको छील के धो के इसको कद्दूकस कर लेते हैं। अब घी को मैंने कद्दूकस कर लिया। अब इसको हम थोड़ा उबाल लेंगे। तो उबालने के लिए हम एक कुकर लेंगे। उबालने के लिए यहाँ मैंने कुकर लिया। अब इसमें हम 2 गिलास पानी डालेंगे। अब इसमें हम घी डाल देंगे और इसको हम उबालने के लिए रख देंगे। अब घी को मैंने उबालने के लिए रख दिया है। अब इसमें 2 सीटी आ जाएंगी जब हम इसको खोलेंगे। मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है। इसको भी हम उबालने के लिए रख देते हैं। दूध को हमने उबलने के लिए रख दिया है। अब दूध को हम गर्म होने देंगे। अब हमारे कुकर में 2 सीटी आ चुकी है। अब इसको हम खोल लेते हैं। ये देखिए घी है जो बिल्कुल गल चुका है और इधर दूध भी उबल चुका है। अब दूध को हम कुकर में डाल देते हैं। गैस को हम बंद कर देंगे। अब दूध को हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ मैंने 1/2 कटोरी सेवियाँ ली हैं, ये रोस्ट करी हुई हैं, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसको यहाँ मैंने 1 कटोरी चीनी ली है, ये भी इसमें डाल देंगे। अब चीनी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम 1/2 घंटे के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे। गैस को हमने कम ही रखना है। अब इसको हम कम गैस पे ही अच्छी तरह से पका लेंगे। खीर को बनते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे। यहाँ मैंने कटे हुए बादाम लिए, ये भी डाल देंगे। यहाँ मैंने किशमिश लिए, ये भी डाल देंगे। और यहाँ मैंने नारियल का बुरादा लिया, ये भी डाल देंगे। अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ मैंने केवड़ा एसेस लिया, ये भी डाल देंगे। आप चाय इलायची भी डाल सकते हैं। 15 मिनट के लिए और अच्छी तरह से हम पका लेंगे। अब हमारी खीर को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए पक चुकी है ये। अब गैस को हम बंद कर देते हैं और इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे। अब खीर को मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया। अब इसको हम ऐसे ही ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे। अब हमारी खीर ठंडी हो चुकी है। अब इसको हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। अब हमारी खीर को रखे हुए 2 घंटे हो चुके थे, मैंने इसको बाहर निकाल लिया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बनी है हमारी खीर। हमारी खीर बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।